उज्जैन रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के पास से 2 साल का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। माँ अपने बेटे को बेंच पर लेटाकर दूध की बोतल धोने गई थी, इतने में ही बच्चा उसका चोरी हो गया। वो रेलवे पुलिस के पास गई तो पुलिस उससे बच्चा चोरी होने का सबूत मांगती रही। वही महिला ने जीआरपी थाने के टीआई पर अभद्रता और थप्पड़ मारने के आरोप भी लगाए हैं। लोगों को जब ये घटना पता चली तो उनके हस्तक्षेप के बाद जीआरपी थाने ने सीसीटीवी चेक किए, इसमें आरोपी बच्चे को उठाकर ले जाते हुए दिखा है। तब जाकर 28 घंटे बाद अपहरण की रिपोर्ट लिखी गई। जानकारी के अनुसार वैष्णव भी अपने पति श्रवण से झगड़ा होने के बाद अपने 2 साल के बेटे को लेकर स्टेशन पहुंची। वह भोपाल में बड़ी माँ के घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी 24 दिसंबर की सुबह 10:30 बजे जब दूध की बोतल धोने के लिए बच्चे को प्लेटफॉर्म पर लेटा कर गई, वापस लौटी तो बच्चा गायब हो चुका था। बच्चे को ना पाकर महिला बुरी तरह घबरा गई, जीआरपी थाने पहुंची, लेकिन यहां से पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। महिला अकेले ही बच्चे की तलाश में पूरे स्टेशन और सड़कों पर भटकती रही, देर रात घर पहुंची। पति को बताया कि बच्चा कोई उठा ले गया है। घर वाले भी ये सुनते ही बच्चे को खोजने में जुट गए। अगले दिन 25 दिसंबर की शाम 4 बजे फुटेज में बच्चे के अपहरण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और इस लेट लतीफी में 28 घंटे का समय निकल गया। बच्चे का अभी तक पता नहीं चल सका है।